खबर राजस्थान के ब्यावर जिले से है, जहां पर सोमवार को राज्य मंत्री के विश्नोई ब्यावर पहुंचे। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार सोमवार को ब्यावर पहुंचे के विश्नोई का स्वागत किया गया और अजमेर रोड पर ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री अभिषेक चौहान के नेतृत्व में राज्य मंत्री के विश्नोई का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं ब्यावर विधायक शंकर सिंह के द्वारा भी और सभापति नरेश कन्होजिया भी के विश्नोई का स्वागत किया। वहीं मंत्री के विश्नोई ब्यावर के बाद जवाजा के लगेत खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे। ब्यावर से प्रकाश भाट की रिपोर्ट। जोधपुर के प्रवास पर बीच में ब्यावर का भाई हमारे पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक जी और विधायक शंकर जी और सभी कार्यकर्ताओं से भेंट करने का मौका मिला और आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। सर, उद्योग मंत्री हैं, आखिर में ब्यावर के अंदर औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पिछड़ता जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पर मार्बल इंडस्ट्री ये क्या नाम ग्रेनाइट इंडस्ट्री ये है जो ग्राइंडिंग यूनिट हैं वो बंद होती जा रही कगार पे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कपड़ा मिलें थी, इसके अलावा और भी सीमेंट प्लांट्स वगैरह है, कहीं ना कहीं सर ये सब मरणासन स्थितियों पर हैं। यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई है और इन सब के ऊपर भी विचार किया जाएगा। अभी विभागों के बंटवारे हुए हैं तो दीर्घ गंभीरता से विचार करके किस तरीके से इन चीज़ों को अच्छा बनाया जाए, दूरगामी अच्छे परिणाम हो, उस दिशा के अंदर कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। खेल मंत्री भी हैं सर, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्टेडियम बना हुआ सर काफ़ी समय से और विधायक साहब की मेहरबानी से यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक स्टेडियम बना, लेकिन अब उसकी जो आगे की जो बढ़ोतरी होने वाली बात है वो नहीं हो पा रही। जहाँ तक उसके करेंगे साहब, अभी सब अभी सरकार का गठन हुआ, मंत्रिमंडल अभी सब अभी एक दो दिन का ही सब कार्यक्रम है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो जल्दी इन सब विषयों के ऊपर चर्चा भी की जाएगी। आगामी विधानसभा का सत्र भी 19 तारीख से, तो उससे पहले पहले कई सारी चीज़ों के आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, आप ही के मार्फत हम लोग बताएंगे सर। ठीक।